हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। वहीं यमुनानगर के जगाधरी में रविवार को अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस और गुर्जर प्रतिहार सम्राट मेहर भोज जयंती मनाई गई। इस दौरान विधानसभा स्पीकर कंवरपाल गुर्जर ने कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं अपने भाषण में राजा मिहिर भोज के शासन के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि राजा मिहिर का राज कर्नाटक, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के एक बड़े हिस्से पर था। साथ ही कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि आज बिरादरी के लोगों ने उन्हें याद करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया है, जहां संदेश दिया गया कि उनके दिखाए रास्ते पर चलेंगे और देश की सेवा करें। इस मौके पर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सम्राट मेहर भोज चौक पर भव्य प्रतिमा की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए कंवरपाल गुर्जर ने 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक बेटियां शिक्षित नहीं होगी तब तक समाज की तरक्की नहीं हो सकती, इसलिए इन्हें पढ़ाना बेहद जरूरी है। प्रतापी राजा हुए और 50 साल तक उन्होंने शासन किया। उनका जो राज्य था वो कर्नाटक से बंगाल तक, गुजरात तक, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा के भी कुछ हिस्से में, इस बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। लेकिन ये एक बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए और सौभाग्य से ये गुर्जर वंश में पैदा हुए, तो उसके लिए आज सभी बिरादरी के लोग इकट्ठे हुए उनको याद करने के लिए। और मैं ये कहूँगा कि उनके दिखाए रास्ते पे हम चलेंगे और अपने देश की सेवा करेंगे। जिस प्रकार से देश के लिए उन्होंने काम किया, उसी प्रकार से समाज देश के लिए काम करें। सारे सब लोगों को इकट्ठा लेके, सब लोगों को साथ लेके और सबके साथ मिलके देश के लिए काम करेंगे।